तो आज फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी के बाहर देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक है, एक भी रेहड़ी नहीं। भाई साहब कैसा लग रहा है बताएंगे कुछ, कैसा लग रहा है आज जो है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सही सही बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि सारी रेहड़ी हटवा दी गई हैं, नहीं तो यहाँ से लोगों को कहना है कि चल नहीं पाते थे, काफ़ी जाम लगा रहता था हमेशा जो है। और अच्छा लग रहा है सफाई हटवा दिया, परमानेंट यहाँ से हटी रहेंगे अच्छा। वापस लग जाएंगे, अब देखो क्या होता है जो है। कल हो जाए, कल लग जाएंगी, हैं लग जाएंगी अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं अच्छा, इतना सही है, सख्त नहीं है, देखते हैं क्या होता है कल, देखते हैं जो है ठीक है। फिलहाल देखें आज तो एकदम बिल्कुल साफ सफाई लग रही है यहाँ, ये देखें सुबह लगभग 10 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर निगम और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर चलाया था, और यहाँ सैकड़ों रेहड़ियाँ लगती थी जिन्हें हटा दिया गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है। दोनों तरफ बिल्कुल देख सकते हैं सफा चट मैदान है, लोग खुलकर आ जा रहे हैं, ये देखें ये देखिए पूरा साफ है, एक भी रेहड़ी नहीं। और अभी आगे पुलिस खड़ी दिखाई पड़ रही है, ये देखें ईंट पत्थर पड़े हैं जो रेहड़ी वाले लगाते थे, बस वही हैं बाकी और कुछ नहीं। आगे तक दिखाते हैं और आप फिर बता दें आपको कि हाल में लगभग 1 महीने पहले DCP NIT नरेंद्र कादयान जो पैदल यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने डबुआ थाने से लेकर उधर आगे तक सारण तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तो बीच में लोगों ने उनसे कहा था साहब यहाँ क्राइम वगैरह अपराध वगैरह तो कम है, लेकिन सब्जी मंडी के सामने जो जाम लगता है, अतिक्रमण होता है, उससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और आज देख सकते हैं ये है सब्जी मंडी का मुख्य गेट, और देखें एक भी रेडी नहीं यहाँ भी, ये देखें। और उधर शुरुआत में सब्जी मंडी लगती थी सड़क पर, वो भी नहीं है, ये देखें यहाँ बिल्कुल साफ है, पुलिस की गाड़ी अब भी खड़ी है यहाँ, ये देखें। डॉक्टर साहब ऐसे ही करवाओगे मंडी में, ये देखें अभी यहाँ एक दो पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, और पूरे फरीदाबाद में ये अभियान चलाया गया है, ओल्ड फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, NIT में, देखिए पूरा सफर चल रहा है डबुआ कॉलोनी तक। फिर दिखाते हैं कि ऐसा ही रहता है कि आगे भी कुछ होता है, हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह।